नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मनमोहक पंडाल में श्रद्धापूर्वक मंझोल के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में की गई मां शारदा की पूजा अर्चना। मंझोल बेगूसराय में वसंत पंचमी के दिन बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शक्तिपीठ माता जय मंगला की धरती मंझोल के ऐतिहासिक सत्यारा चौक पर मनमोहन और भव्य पंडाल, जिसमें फूलों की सजावट जो देखते ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। उसी स्थल पर विद्या की देवी मां शारदे की विशाल और मनमोहक प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित की गई। इस अवसर पर पूजा समिति के सदस्यों में बिद्दू कुमार, सन्नी कुमार, पंकज कुमार सोनी, गौतम कुमार, आकाश कुमार, सूरज कुमार, अमन चौधरी, छोटू कुमार, सौरभ सिंह, सत्यम कुमार, नितिश कुमार, अमृत कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, आदित्य अवस्थी के अलावा दर्जनों विद्यार्थियों ने पंडित देवकीनंदन झा के साथ मिलकर पुरोहित यजमान परंपरा को निभाते हुए पूरी सच्ची निष्ठा के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रद्धापूर्वक मां शारदा की अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण भावनाओं के साथ पूजा अर्चना की। क्षेत्र की हजारों माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा कर मन्नतें मांगी। वाकई भक्तिपूर्ण वातावरण में मां शारदे की पूजा अर्चना करने से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मां सरस्वती स्वयं मूर्त रूप धारण कर पंडाल में आकर विराजमान हो गई। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती की गूंज वातावरण स्थल को सत्ययुग स्थल का एहसास करा रही थी। मां शारदे का आज पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। सरस्वती पूजा के यहाँ पर विधिवत अनुमंडल क्षेत्र वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे सजो सजावट के साथ माँ शारदे के विधिवत लोग पूजा पर पूजा कर रहे हैं और माँ शारदा हमेशा उनके ज्ञान और ज्ञान की बारिश करती हैं और किसी मनोकामना के साथ ही माँ शारदा उनको पूरे जीवन में ऐसा ज्ञान दे ताकि आपकी भाईचारा बना रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पूरा मंझोल अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह का पूजा अर्चना किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरी सजो सजावट के साथ मंझोल अनुमंडल क्षेत्र में मंझोल बाजार में इस तरह का बहुत ही भव्य यहाँ पर सजो सजावट की गई और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आज यह माँ शारदा का विशेष दिन होता है। वसंत पंचमी के दिन इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विधिवत यहाँ पर पूजा ही होती है और दर्जन मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा की गई। श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए और अपनी मनोकामना रखते हुए यहाँ पर माँ शारदा की पूजा अर्चना की है। यहाँ पर सरस्वती माता से उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए पूरी विनम्रता के साथ अपनी मनोकामना लेके आई, विधिवत पूजा अर्चना की और प्रसाद पा के तहे दिल से इस तरह के आयोजनकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही भव्य यहाँ पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं और इस तरह से युवाओं ने इस तरह से युवाओं ने पूरी सजो सजावट के साथ माँ शारदा की इस तरह का पूजा अर्चना किया। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए और अपनी मनोकामना के साथ विधिवत वैदिक उच्चारण के साथ यहाँ पर पूजाएं की, अपनी अपनी मनोकामनाएं माँ शारदा से मांगी और माँ शारदा निश्चित रूप से जैसी जिनकी भावना होती है उसके अनुसार माता अपनी कृपा जरूर करते हैं। आज बसंत पंचमी का यह दिन है और खासकर सरस्वती पूजा के लिए विद्यार्थियों के जीवन के लिए बहुत ही बड़ा दिन कहलाता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बिहार स्कूल विद्यालय के द्वारा यहाँ पर बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है और कल से ही मैट्रिक की परीक्षा भी है। इस तरह से खासकर विद्यार्थियों के लिए यह पूजा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बसंत पंचमी का यह पूजा बहुत ही मायने रखता है और यहाँ पर मंझोल अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह का भव्य सजो सजावट के साथ पूजा के लिए माँ शारदा सरस्वती की यहाँ पर भव्य मूर्ति स्थापित की गई और पूरे सजो सजावट और श्रद्धा के साथ
यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे युवा जो कि खुद भी विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से इन्होंने व्यवस्था की। इनकी इस पंडाल की वाकई फूल से सजी हुई यह पंडाल देखने और दिखाने लायक थी। एक बहुत ही खूबसूरत पंडाल का निर्माण किया गया और उतनी ऊंचाई जितनी जैसी भावना माँ शारदा उनके ऐसी भावना के साथ पूजा की गई, उनकी मनोकामना को निश्चित रूप से माँ शारदा यानी कि माँ सरस्वती आशीर्वाद स्वरूप उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। और नव यह सरस्वती पूजा खासकर विद्यार्थियों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।